नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे और आपके YouTube चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो अच्छी लगती है और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मित्रों, आज हम जानेंगे हस्तरेखा विज्ञान में आपके हाथ का तिल आपके लिए शुभ है या अशुभ सूर्य ग्रह के हिसाब से। दोस्तों, सामान्यतः आम बोलचाल में आपने सुना होगा कि मुट्ठी के अंदर का तिल बहुत सौभाग्य देने वाला होता है, परंतु यह सुनी सुनाई अधूरी बात है। इस तथ्य के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि मुट्ठी में तिल की शुभ और अशुभ स्थिति क्या होती है। आज हम बात करेंगे सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा के ऊपर जब काला तिल होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। आइए सबसे पहले हाथ में सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा की पहचान करते हैं। हाथ में सूर्य पर्वत अनामिका उंगली के नीचे आता है, इसे अंग्रेजी भाषा में रिंग फिंगर भी कहते हैं। अब समझिए सूर्य रेखा के बारे में। हाथ में सामान्य रूप से सूर्य रेखा तीन स्थानों से बनती है। पहला, जब मणिबद्ध रेखा से सीधा चलकर सूर्य पर्वत के नीचे तक आ जाती है तो इसे सूर्य रेखा बोला जाता है। दूसरा, जब मस्तिष्क रेखा से सीधा चलकर कोई रेखा सूर्य पर्वत के नीचे आ जाती है तो इस रेखा को भी सूर्य रेखा बोला जाता है। वहीं तीसरा, जब हृदय रेखा से सीधा चलकर कोई रेखा सूर्य पर्वत के नीचे आ जाती है तो इसे भी सूर्य रेखा बोला जाता है। मणिबद्ध से बनी सूर्य रेखा हमारे जीवन के शुभ प्रारब्ध कर्मों को दर्शाती है। इस रेखा का प्रभाव मान सम्मान में वृद्धि करने वाला और समाज में प्रतिष्ठा दिलाने वाला होता है। यह रेखा राजनीति में अच्छी पकड़ दिलाने में सहायक होती है। मस्तिष्क रेखा से बनी सूर्य रेखा दिमागी कार्यों से प्राप्त होने वाली सफलता को दर्शाती है। यह रेखा जातक को मानसिक कार्यों में सफल बनाती है। हृदय रेखा से बनी सूर्य रेखा इसी जीवन में किए हुए अच्छे कर्मों को प्रकट करती है और इसके प्रभाव से अचानक भाग्योदय होता है। सूर्य पर्वत या सूर्य रेखा पर जब गाढ़ा काला तिल होता है जो धब्बे या छींटे के आकार का हो तो अशुभ माना जाता है। इसके प्रभाव के चलते सरकार से दंड प्राप्ति, आँखों के रोग, सर पर चोट लगना, दुर्घटना योग, हृदय रोग, पिता पक्ष से विरोध, कम आयु में पिता की मृत्यु को प्रकट करता है। परंतु इसी स्थान पर हल्का भूरा या हल्की लालिमा लिए हुए तिल हो तो ऐसे तिल को महासौभाग्य का सूचक समझना चाहिए। इस तिल के प्रभाव से जीवन राजाओं जैसा बीतता है। अगर आपके हाथ में ऊपर बताई गई स्थिति के हिसाब से सूर्य का अशुभ प्रभाव बन रहा है तो आप इन उपायों को अवश्य करें। उपाय पहला, नेत्रहीन लोगों की हमेशा सहायता करें। नेत्रहीन विद्यालय में प्रत्येक रविवार श्रद्धापूर्वक कुछ ना कुछ दान जरूर करें। दूसरा उपाय, रात को तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह उठते ही उस पानी को पीवें। तीसरा उपाय, महीने में किसी भी एक रविवार को मसूर की दाल, गुड़, गाय का देसी घी, बादाम की गिरी, नारियल मंदिर में दान अवश्य करें। चौथा उपाय, प्रत्येक रविवार घर की चौखट पर हल्दी और केसर के मिश्रण से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और घर के बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके आज्ञा लेकर घर से जाएं। दोस्तों, इन सभी उपायों को करने से आपके सूर्य के जो बुरा प्रभाव है वह जल्द ठीक हो जाएंगे और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी।
दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।